बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से और उर्दू आईटी की तरफ से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, कल हम लोगों ने आईटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था। क्विकली हम लोग उन चीजों को रिकैप कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को इस तरीके से डिलीवर किया जाए कि कोई भी सुनने वाला उसके ऊपर कोई डिसीजन ले ले। मतलब मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले, आज से कोई 15-20 साल पहले, पूरी दुनिया के अंदर एक बर्ड फ्लू के नाम की जो है ना एक वबा फैली थी और लोगों ने चिकन खाना जो है ना वो छोड़ दिया था। तो उस वक्त मलाइशिया के जो प्राइम मिनिस्टर था महातीर मोहम्मद, उसने क्या किया, मीडिया की टीम को उसने साथ लिया और वो चिकन शॉप पे गया, उसने चिकन कटवाया और उसने मीडिया के सामने जो है ना वो लाइव उसने चिकन खाया, उसने पकवा के उसको जो है ना चिकन खाया और उसने लोगों को समझाया, मैसेज कन्वे किया कि ये अफवाहों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, बर्ड फ्लू नाम की कोई चीज नहीं है, ये आपकी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर का ये एक्ट था तो पब्लिक ने ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स किया। तो ये क्या चीज है, एक आईटी का एक यूज केस है। मतलब इट्स द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम ऑन ए ब्रॉडर स्केल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवर्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा दैट हेल्प देम टू अचीव देयर गोल। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना आप लोगों का हार्डवेयर भी आता है, इसके अंदर आप लोगों का सॉफ्टवेयर भी आता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर इंटरनेट भी है, इसमें नेटवर्क भी है, इसमें सर्वर भी है, इसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है इन टेक टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होंगे। अगर आप लोग इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम वन बाई वन जो सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर का आई होप के सबको ही क्लियर है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसको कहते हैं, जो टेंजिबल चीजें हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम लोग पकड़ सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के ऐसे पुर्जे, ऐसे कंप्यूटर के साथ लगने वाली एक्सेसरीज जिसके अंदर जैसे माउस है या कीबोर्ड है या मॉनिटर है या सीपीयू है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, जो कि विजिबल भी हैं, जो कि टेंजिबल भी हैं, ये सारी की सारी जो है ये क्या कहलाती है, ये सारी के सारी हार्डवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर जो है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से हम लोग हार्डवेयर से कोई काम ले सकते हैं। मतलब वो प्रोग्राम जो किसी हार्डवेयर के ऊपर रन करता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं। मतलब जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है, स्कैनर है, और कंप्यूटर के अंदर चलने वाले जो प्रोग्राम है उनको जो है वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर को अगर हम कैटेगराइज करें तो सॉफ्टवेयर जो है तीन तरह के होते हैं, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके बगैर आप लोगों का ऑपरेटिंग, जिसके बगैर आप लोगों का सिस्टम चल ही नहीं सकता। मतलब किसी भी लैपटॉप के अंदर या किसी भी पीसी के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर या किसी भी टैबलेट के अंदर या किसी भी मोबाइल के अंदर एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो डिवाइस जो है वो वर्क करती है। अगर लैपटॉप है तो वो विंडोज की फॉर्म में होगा, अगर आप लोगों के पास सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर आपके पास जो है कोई मैकबुक है तो उसमें मैकिंटॉश होगा, अगर आपके पास कोई आईफोन है तो उसमें आईओएस होगा। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है कि जो आप लोगों ने अपना स्कूल, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, दफ्तर का आप लोगों ने काम करना होता है कि आप लोग वर्ड के अंदर कुछ राइट करते हैं या एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं या पावर पॉइंट में कोई आप स्लाइड बनाते हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। या आप किसी ब्राउजर को खोल के आप गूगल लिखते हैं उसके अंदर, या कोई भी वेबसाइट या कोई मीडिया की साइट आप खोलते हैं, तो ये भी सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर की किस्म है। अच्छा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कुछ स्पेशल इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिनके अंदर हम लोग कोई कोड लिखते हैं, तो कोड लिखने के बाद जो है हम लोग
उसके जरिए से अपनी मर्जी की आउटपुट हम जनरेट करवा सकते हैं। नॉर्मली गेम डेवलपमेंट के अंदर या फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है इस तरह की लैंग्वेजेस जो है ना हम लोग अपने डे टू डे मतलब यूज केस में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है बिहाइंड द सीन इनके कोडिंग हुई होती है। तो आई होप कि हार्डवेयर आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अभी इस स्लाइड के अंदर जो आप लोगों को ये तस्वीर नजर आ रही है ये एक सीपीयू खुला हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक सीपीयू खुला हुआ है और उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये सारे का सारा हार्डवेयर है। अच्छा हर एक हार्डवेयर रोल का हर एक हार्डवेयर आइटम का जो है एक स्पेसिफिक रोल होता है। अब ये जो हार्डवेयर है ना इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आपके इंटरनल होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स आपके एक्सटर्नल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ तो सबसे ऊपर ये पावर सप्लाई है मतलब जो आप बिजली की तार आप लगाओगे इस पावर सप्लाई के अंदर लगाओगे तो देन उसके बाद जो है किस किस कंपोनेंट को कितने कितने वोल्टेज चाहिए आगे कन्वर्ट करके जो है वो देगी। ये पावर सप्लाई एक जो आप लोगों का सीपीयू के अंदर लगने वाला एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। देन उसके बाद जिसपे कोर टू क्वाड लिखा है ये आप लोगों का प्रोसेसर है मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होंगी ये आगे डिटेल में चल के इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेसर के अंदर जो है ना प्रोसेसर का क्या काम होता है इसके कितने इसके पार्ट्स होते हैं और क्या इसकी फंक्शनैलिटी होती है। तो प्रोसेसर आप ये समझ लें कि इस कंप्यूटर के सारे सिस्टम्स को जो ऑपरेट करना कंट्रोल करना वो इस प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उसके बाद लाइक टू बी आप ब्रेन ये सीपीयू को भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। अच्छा एक तो ये इस पूरे डब्बे को भी सीपीयू कहते हैं और फिर इसके अंदर ये खाली जो प्रोसेसर है ना इस प्रोसेसर को भी ये सीपीयू कहा जाता है। अच्छा देन उसके बाद जो है ये लेफ्ट साइड पे आपको जो है जिसमें पंखा लगा हुआ एक चीज नजर आ रही है ये बेसिकली ग्राफिक कार्ड है। ये गेम्स वगैरह के लिए या आपने इंटेंसिव किस्म के कोई ग्राफिक डिजाइनिंग आपने करनी है कोई 3D मॉडलिंग करनी है उसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड यूज होता है। देन उसके बाद आप लोगों को चिप्स नजर आ रही है बिल्कुल प्रोसेसर के नीचे ये इसकी रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी कि कंप्यूटर जितनी देर तक ऑन रहता है तो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती है जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसमें से इन्फॉर्मेशन डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद नीचे आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है जिसका आपने एंटीना बनाया ये बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है मतलब जो कंप्यूटर में जो इंटरनेट से कनेक्ट होना है या आपके नेटवर्क से कनेक्ट होना है वो इस कार्ड के जरिए से या वायरलेस कार्ड के जरिए से कनेक्ट होना है। राइट साइड पे अगर देखें तो सबसे ऊपर हम लोगों को ऑप्टिकल ड्राइव नजर आ रही है ये आप लोगों की सीडी रोम भी हो सकती है। सीडी रोम एक पुरानी चीज होगी है सीडी रोम के बाद जो नई डिस्क जो आई थी उसको हम लोग बोलते हैं डीवीडी रोम या डीवीडी राइटर और जो उसके बाद जो उसकी एडवांस फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं ब्लू रे ड्राइव। वैसे आजकल जो है सीपीयू कम ही यूज होता है लेकिन अगर कहीं पे आप लोगों को देखने को मिले तो उसमें अमूमी तौर पर ऑफिस वगैरह में सीडी रोम जो है ना लगाई नहीं जाती लेकिन जिन लोगों का वास्ता ग्राफिक डिजाइनिंग से या जिन लोगों का वास्ता मल्टीमीडिया डिजाइनिंग से या वेब डिजाइनिंग से या प्रिंट मीडिया से है या तो उन लोगों को जो है ना इसकी सीडी रोम की जरूरत पड़ती है कि सीडी रोम के जरिए से उन लोगों को अपने कस्टमर को जो है ना वो सीडी राइट करके देनी पड़ती है। या मिसाल के तौर पर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है जब आप लोगों का अल्ट्रासाउंड करता है या सीटी स्कैन करता है तो उसके बाद जो उसके इमेजेस हैं या जो कोई भी उसने प्रोसीजर किया है चाहे उसने कोई इको की है चाहे उसने कोई एंडोस्कोपी की है तो वो उसकी वीडियो आपको रिकॉर्ड करके सीडी पे दे देता है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर इसके जो है ना सीडी रोम का डीवीडी रोम का या ब्लू रे ड्राइव का भी यूज हो रहा है। देन उसके बाद नीचे आप लोगों का ये ड्राइव नजर आ रही है राइट साइड पे जिसमें एक सर्कल बना ये ब्लैक सी डिवाइस ये आप लोगों के हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हम लोग फाइलें सेव करते हैं वो सारे के सारे इस हार्ड ड्राइव के ऊपर सेव होते हैं और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में जो इंटरकनेक्टेड होते हैं जो सबसे नीचे राइट साइड पे आपको चीज नजर आ रही है इसका मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड जो है ना इन सारी के सारी चीजों का आपस में कनेक्शन बनाता है और जो सीपीयू खुला हुआ है उसके अंदर ये पीछे जो आप लोगों को ग्रीन कलर की चीज नजर आ रही है जिसपे आपके सीपीयू भी लगा है जिसपे आपकी रैम भी लगी है जिसपे आपका वीडियो कार्ड भी लगा हुआ है ये सारे का सारा जो है ना ये आप लोगों का मदरबोर्ड है। सीपीयू इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सारी के सारी कैलकुलेशन जो है ना परफॉर्म करता है और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को जो है हैंडल करता है। मदरबोर्ड जो ना मेन सर्किट होता है कंप्यूटर का और सारे कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। मेमोरी जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं इसको खाली मेमोरी भी कहते हैं इसके अंदर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ग्राफिक कार्ड जो है ये आप लोगों का ग्राफिक्स जो है आप लोगों को डिस्प्ले करता है। साउंड कार्ड जो है ये आप लोगों के साउंड जो है आवाज जो उसको जनरेट करता है। इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है जिसके अंदर आप अपनी फाइल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने यूटिलिटी स्टोर तक अपने पैकेजेस सारे के सारे आप स्टोर करते हैं। अच्छा देन उसके बाद जो है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड जो है ये आप लोगों के कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सिग्नल्स को आप लोगों के ट्रांसमिट करता है रिसीव करता है। ऑप्टिकल ड्राइव सीडी रोम डीवीडी रोम ब्लू रे ड्राइव कुछ भी हो सकती है
कि आपने अगर कोई डेटा इसके ऊपर राइट करना है या इससे कुछ रीड करना है, पावर सप्लाई जो है वो आप होंगे 220 वोल्ट को 12 वोल्ट के अंदर या 24 वोल्ट में या जरूरत के मुताबिक जितने वोल्टेज चाहिए होते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स को उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी सारे के सारे हार्डवेयर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। अभी जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है ये सारे हार्डवेयर के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर आप लोगों का माउस है, कीबोर्ड है और माइक्रोफोन है। लेफ्ट साइड से शुरू करें, सबसे पहले कीबोर्ड और माउस नजर आ रहा है, दरमियान में जो आप लोगों को माइक्रोफोन नजर आ रहा है, और राइट साइड पे जो है ये स्कैनर है, ये बार कोड रीडर है। ये अमूमन तौर पर हम लोगों को माल के अंदर जो है, आप किस कैरेफोर पे जाए, वॉलमार्ट पे जाए, या आप जो है ना जॉइंट स्टोर पे जाए, या आप लुलू पे जाए, या किसी मदीना मार्ट, किसी भी कैश एंड कैरी स्टोर पे जाए, तो वहां पे जो है वो उनकी प्राइसेस को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, बिल बनाने के लिए जो है वो सेल्समैन जो है वो या कैशियर ये चीज यूज करता है। ये आप लोगों का बारकोड स्कैनर है। देन उसके बाद जो है अदर हार्डवेयर जो है ना उसके अंदर आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इनपुट और एक लिखी है आउटपुट। इनपुट का मतलब ये कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मतलब माउस के जरिए से हम क्लिक करते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, रिस्टोर करते हैं। कीबोर्ड की मदद से हम लोग डेटा एंटर करते हैं, हम लोग कुछ टाइप करते हैं डिजिट्स के फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में। माइक्रोफोन की मदद से हम लोग अपनी आवाज जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। स्कैनर की मदद से जो हम लोग किसी चीज को जो है ना बारकोड को हम लोग स्कैन कर सकते हैं। ये सारी की सारी इनपुट कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिस हार्डवेयर को यूज करते हो उसको हम लोग कहेंगे इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं? कंप्यूटर बदले में हमें जो काम करके दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। लाइक मैंने प्रिंट की कमांड दी और उसने मुझे पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट करके दे दिया। मिसाल के तौर पर मैं अपने शनाख्ती कार्ड की या पासपोर्ट की फोटोकॉपी मैं करना चाह रहा हूँ, स्कैनर के जरिए से मैंने स्कैन किया, देन उसके बाद मैंने प्रिंटर के जरिए से उसका प्रिंट ले लिया, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। देन उसके बाद स्पीकर जो आप लोगों का आवाज सुनाते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है जिसके ऊपर आप लोगों को डिस्प्ले नजर आता है, जो भी काम आप कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, वो आपको नजर आ रहा है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। देन उसके बाद राइट साइड पे आप लोगों को प्रोजेक्टर नजर आ रहा है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके टीचर या आपका लेक्चरर आपको लेक्चर देते हैं तो बड़ी स्क्रीन पे जो आप लोगों को डिस्प्ले नजर आ रहा होता है प्रोजेक्टर की मदद से नजर आता है। तो ये प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर आउटपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज के, मिसाल के तौर पे आपके टीचर ने, इंस्ट्रक्टर ने या आपके लैब एडमिन ने आपको एक असाइनमेंट दिया। अब या आपने अपने डेटा को अपने घर से आपने असाइनमेंट बनाई और स्कूल के या कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के आपने लैपटॉप में या आपने वहां के पीसी में जाके अपने इंस्ट्रक्टर को डिस्प्ले करना, तो उस काम को आप कैसे कैरी करोगे? उसके लिए या तो आप लोग फ्लैश ड्राइव यूज करोगे, या फिर आप उसके लिए पासपोर्ट ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज करोगे, या फिर आप उसके लिए एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइव यूज करोगे, या फिर उसके बाद जो है ना आप ये कार्ड रीड, इसके अलावा आप कार्ड रीडर यूज कर सकते हो, और ये कार्ड रीडर के अंदर आप लोगों के छोटा सा कार्ड डलता है जो कि आपके मोबाइल के अंदर या फिर आप लोगों के टैबलेट वगैरह में भी आप लोगों के ऑपरेट हो सकता है। तो ये सबसे नीचे वाली लाइन में जो है ना एक्सटर्नल स्टोरेज की जो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई। देन उसके बाद ये हार्डवेयर के बाद डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई काम लेने के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है कि कंप्यूटर को कैसे हम लोगों ने ऑपरेट करना, कंप्यूटर से क्या काम लेना। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन की जो कलेक्शन है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, इसको कैरी करने के लिए ऑफकोर्स हमें किसी फिजिकल कंपोनेंट की जरूरत होगी, जैसे सीडी रोम वगैरह। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ना सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलता है तो देन उसके बाद जो है ना कंप्यूटर काम करना शुरू करता है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नीचे बॉटम में आइकन्स नजर आ रहे हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुमकिन तौर पर सर्वर साइड पर यूज होता है। देन वर्ल्ड का एक आइकन है जिसके जरिए आप जो एडिटिंग करते हो, फोटोशॉप जिसके जरिए आप फोटो पिक्सल बेस्ड डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट वगैरह दिखाया हुआ है, फायरफॉक्स दिखाया हुआ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया हुआ है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास वर्ड प्रेस हो सकते हैं, स्प्रेडशीट हो सकते हैं, डेटाबेस हो सकते हैं। आपने सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर कंपोज करना है, आप लोगों ने कोई ईमेल लिखनी है, या आप लोगों ने कोई जो बच्चों का स्कूल का रिजल्ट कार्ड बनाना है, या आप लोगों ने जो है ना कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, आप लोगों ने कोई किसी का एग्रीगेट वगैरह लेना, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन की जरूरत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है ऑफिस के नाम से, ऑफिस 2019 या फिर ऑफिस 365, इसके अंदर वर्ड होता है, एक एडिटर है, एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट का काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये फायरफॉक्स, मोजिला जो है ये ब्राउजर है, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फोटोशॉप जो है फोटो एडिटिंग का एक प्रोग्राम है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ना हम लोगों के पास जो है डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक उसकी सब कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक हमारे जो है ना हेल्प के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हमारा स्टेबल चले,
उसके लिए हम लोग लाइक एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसी तरह से एक होती है चीज जिसको बोलते हैं ड्राइवर। बाज़ूकात ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड तो लगे लेकिन आवाज नहीं आ रही, उसकी वजह यह कि आपका साउंड कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ। अब साउंड कार्ड से काम लेना है तो उसका रिस्पेक्टिव ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेटर ऑन इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे, देखेंगे और इंस्टॉल करके देखेंगे कि साउंड कार्ड का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ग्राफिक अडॉप्टर का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये ड्राइवर्स की क्या बला है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं लाइक एंटीवायरस हैं तो एंटीवायरस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वर्ल्ड बेस्ट स्प्रेडशीट और डेटाबेस। आई होप सबको क्लियर है कि आप लोगों ने कुछ सिंपल आपने एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर कंपोज करना है, ईमेल वगैरह करनी है तो वर्ड एडिटर के अंदर आप करते हैं। स्प्रेडशीट जो है जिसके अंदर आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन करनी है, किसी का सम लेना है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एवरेज आप लोगों ने काउंट करना है आप लोगों ने, ठीक है। और डेटाबेस जो है रिकॉर्ड कीपिंग का जो वो कि आपका मिसाल के तौर पर छोटा सा स्टोर है या आपके पास एक लाइब्रेरी है उसके अंदर आप लोगों ने अपने बुक्स का सारे के सारे रिकॉर्ड रखना है, या स्कूल के बच्चों का आप लोगों ने रिजल्ट वगैरह का आपने सारा सिस्टम बनाना है, तो ये छोटी सी डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस जो है ना वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से। आगे चल के डिटेल में आप लोग देखेंगे फोटो एडिटिंग के टूल, यहाँ पे उन्होंने बताया हमें कुछ फोटो एडिटिंग के टूल है जिसके जरिए से आप पिक्चर की ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह को चेंज कर सकते हो, या पिक्चर के ऊपर डिफरेंट टाइप के आप फिल्टर्स लगा सकते हो, ये लाइट इफेक्ट्स वगैरह आप डाल सकते हो, या पिक्चर को जो आप क्लोन कर सकते हो, पिक्चर्स के ऊपर स्टैम्प्स वगैरह लगा सकते हो। तो ये फोटो एडिटिंग के टूल के अंदर सबसे मशहूर टूल है वो अडोब फोटोशॉप के नाम से है। फिर इसके अलावा ग्राफिक मैनिपुलेशन के अंदर जो है ना आप लोगों का कोरल ड्रा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टूल है। कोरल ड्रा के अंदर जो है ना आप अपने फ्लायर बना सकते हो, पंपलेट्स बना सकते हो, ग्रेटिंग कार्ड्स बना सकते हो, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये डिजाइनिंग को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे जो हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग है वो दो तरह की होती है, एक पिक्सल बेस्ड डिजाइनिंग होती है, एक लाइन आर्ट डिजाइनिंग होती है। कि पिक्सल बेस और लाइन आर्ट में क्या होता है जब हम ग्राफिक पे पहुंचेंगे तो फिर हम आप डिस्कस करेंगे। वीडियो एडिटिंग के आपने किसी वीडियो के अंदर से किसी पार्ट को आपने ट्रिम करना है, आपने उसका स्प्लिट करना है, या आपने उसके वीडियो का फ्रेम का साइज कम करना है, या वीडियो के अंदर आपने बैकग्राउंड में कोई नॉइस या कोई म्यूजिक वगैरह आप लोगों ने मिक्स करना है, तो डिफरेंट टाइप के वीडियो एडिटिंग टूल जिसके अंदर जो है ना अडोब प्रीमियर भी है, या इसके अलावा डायरेक्टर के नाम से है, और बहुत सारे टूल्स हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों के जो है ना गेमिंग सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं। गेमिंग सॉफ्टवेयर लाइक एंग्री बर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वीडियो म्यूजिक स्ट्रीमिंग जिस तरह यूट्यूब वगैरह है, या आप लोगों का कोई जेट ऑडियो वगैरह या बिन ऐप वगैरह कोई म्यूजिक प्लेयर वगैरह है। सोशल मीडिया के अंदर हम लोग फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ये भी सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा जीपीएस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, फिटनेस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। आजकल तो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन आ गई है कि जिसके जरिए से आप लोग मेजरिंग और मेजरमेंट भी कर सकते हो कि आप लोगों ने जो है ना फॉर एग्जाम्पल इंचज को सेंटीमीटर्स के अंदर अगर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, या आप लोगों ने किसी बॉडी का आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है, या आप लोगों ने टेम्परेचर वगैरह देखना है, ह्यूमिडिटी देखनी है, तो इसके लिए भी डिफरेंट टाइप के जो है ना मेजरिंग कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी जो है ना वो इस वक्त अवेलेबल है। वो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलते हैं, एंड्रॉइड पे भी, आईओएस पे भी, विंडोज के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और जो है ना ड्राइवर क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बगैर आपकी मशीन चल ही नहीं सकती है, जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, और इसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं लाइक एंटीवायरस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ड्राइवर जो है, जो भी आप नया कंपोनेंट लगाओगे, चाहे आप स्कैनर लगाओगे, चाहे आप प्रिंटर अटैच करोगे, तो उसका एक आपको ड्राइवर इंस्टॉल आप लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, कंपाइलर क्या होता है, जो हम लोग कोडिंग करेंगे, आगे चल के हम प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, तो प्रोग्रामिंग जो है ना आपने अब कोड लिखा और कोड से आपने अपनी मर्जी की आउटपुट जनरेट करवानी है, तो उसके लिए उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों के कंपाइलर की आप लोगों को जो है ना वो जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। देन उसके बाद जो है आई होप के सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, और जो कंप्यूटर के अंदर चलने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको जो है ना वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के जो है ना सॉफ्टवेयर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कोई चीज पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो, जी करें, आगे कंटिन्यू करें जी। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईटी को, और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है उसके अंदर हम लोग आईटी की बेसिक्स को जो है ना सारा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना एक बड़ी ब्रॉडर किस्म की टर्मिनोलॉजी है। प्रीवियसली उसको हम लोग कंप्यूटर साइंस कहते थे, लेकिन आज के दौर में अब इसका नाम चेंज हो गया। पहले उसको कंप्यूटर साइंस कहते थे, फिर बाद में कंप्यूटर साइंस आईसीटी बना,
और आजकल इसको आईसीटी की बजाय जो है ना आईटी कहते हैं। तो बार के अगर कोई आईसीटी बोले या आईटी बोले, दोनों का मतलब एक ही है। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी की शॉर्ट फॉर्म जो है वो आप लोगों की आईटी है। आईटी के अंदर आप लोगों के सर्वर भी आते हैं, आईटी के अंदर आपके इंटरनेट भी आता है, आईटी के अंदर आपके नेटवर्क भी आता है, आईटी के अंदर आपके एप्लीकेशन भी आते हैं, आईटी के अंदर आपके सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आईटी के अंदर आपकी सिक्योरिटी भी आती है, आईटी के अंदर आपके डेटाबेस भी आती है, आईटी के अंदर आपके हार्डवेयर भी आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों का मजमुआ जो है ना कि कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, क्लाइंट, सिक्योरिटी, सपोर्ट, नेटवर्क, एप्लीकेशन, ये सारा मिलके जो है ना एक आईटी जो है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं, ये जो इस कोर्स को हम लोगों ने टाइटल दिया पीएनसी प्रैक्टिकल नेटवर्किंग कोर्स, जिसके अंदर हम लोगों का फोकस ये होगा कि हम लोग जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेंगे, हम बेसिक नेटवर्किंग को भी देखेंगे, हम लेवल वन लेवल टू ट्रबल शूटिंग को भी हम लोग देखेंगे। तो मैं कल मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से बताया था कि जैसे एक शख्स जो है वो एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद वो अपनी डोमेन डिसाइड करता है कि मैंने किस साइड पे जाना है, मैंने आई स्पेशलिस्ट बनना है, मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मैंने ईएनटी बनना है या अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट बनना है, मैंने क्या बनना है, कि इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर बनना है या हार्ट डिजीज का डॉक्टर बनना है या मैंने ब्रेन सर्जन बनना है, दिमाग का इलाज करना है, किस चीज का इलाज करना है। अभी कंप्यूटर साइंस के अंदर जब बच्चे बच्चियां हमारे डिग्री कर लेते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन होता है कि उन्होंने जाना किस फील्ड में है। तो ये कल हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ कंप्यूटर के डिफरेंट डोमेन्स को, डिफरेंट फील्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मैं क्विकली आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ, जिसके सबसे पहली फील्ड जो है ना वो कंप्यूटर की, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग जो है ना इसके अंदर इसके सब कैटेगरीज जो है ना दो बेसिक कैटेगरीज हैं, एक को बोलते हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क और एक को बोलते हैं वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब यह है कि आप कंप्यूटर डिवाइसेज को इस तरीके से आपस में जोड़ दें कि वो आपस में डेटा का एक्सचेंज करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, एक मेरे पास पीसी है पर्सनल कंप्यूटर और एक मेरे पास लैपटॉप है, दोनों को मैं पकड़ के रस्सी से बांध देता हूं, क्या उनकी नेटवर्किंग हो जाएगी? अगर मैं रस्सी से दोनों कंप्यूटर्स को बांध देता हूं आपस में तो क्या इनकी नेटवर्किंग हो जाएगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? हालांकि अभी यहां पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेज दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। मतलब रस्सी से बांध दिया, फिजिकल कनेक्शन तो बन गया लेकिन उसके ऊपर आपके सिग्नल्स तो ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगे। तो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए आपको स्पेशल मीडियम आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो वायर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और वो वायरलेस फॉर्म में भी हो सकता है। और फिर जिस तरह से अभी हम लोग सारे के सारे ये कोर्स कर रहे हैं, एक जगह पे हम लोग बैठे हुए जूम की मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं, तो अब सब आपस में इंटरेक्ट करने के लिए हम लोगों के कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है। वो कॉमन लैंग्वेज जो है ना कंप्यूटर की जुबान में उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के अंदर जो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है ना वो कम्युनिकेशन रूल्स को गवर्न करता है कि कितनी देर हमारी कम्युनिकेशन होगी और कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न होगा और किन रूल्स को फॉलो करना है, कौन सेंडर होगा और कौन रिसीवर होगा। जिस तरह से यहाँ पे बातचीत करने के लिए मेरा नाम उमेर है, एक बंदे का नाम साद है, एक का नाम जुबैर है, तो मैं किसी को मुखातिब करना चाह रहा हूँ, मैं उसका नाम लेकर उसको बुला रहा हूँ, तो हर बंदे की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हर डिवाइस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, या होस्ट नेम की फॉर्म में भी हो सकती है या आईपी एड्रेस की फॉर्म में भी हो सकती है। इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर हम लोग एक ऐसे प्रोसीजर को सीखते हैं कि डिवाइसेस को आपस में किस तरह से इंटरकनेक्ट कराया जाए वायर्ड फॉर्म में या वायरलेस फॉर्म में कि वो डेटा का एक्सचेंज कर सके। ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो वायर्ड भी हो सकती है और वो आपके वायरलेस भी हो सकती है। लेटर ऑन इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो हम लोग वायर्ड फॉर्म में जो केबल यूज करेंगे वो एसटीपी केबल यूज करेंगे, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करेंगे, या यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करेंगे, या फाइबर ऑप्टिक यूज करेंगे, या कोएक्सियल केबल यूज करेंगे, कौन सी केबल यूज करेंगे, या हम केबल यूज ही नहीं करेंगे बल्कि हम लोग वायरलेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क अपना बनाएंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, वायरलेस मॉडम को यूज करते हुए। ठीक है, इंटरनेट जो है ना ये आप लोगों के नेटवर्क की एक बेहतरीन एग्जांपल है। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना लोगों का एक नेट जो है डिवाइसेस का एक नेटवर्क बना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट जो है ना वाइड एरिया नेटवर्क की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लोकल एरिया नेटवर्क किसी एक कैंपस के अंदर, किसी एक बिल्डिंग के अंदर, किसी एक लिमिटेड लोकेशन पे हो सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो स्प्रेड हो सकता है अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द स्टेट्स। अच्छा, दूसरी चीज जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी बड़ी डिटेल के साथ, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। कि प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर जो है ना आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखते हो, चाहे गेमिंग एप्लीकेशन बनानी है, चाहे कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, चाहे कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है,
या आप लोगों ने किसी किस्म का कोई ग्राफिक का पैकेज बनाना है, या आप लोगों ने कोई वर्ड प्रोसेसिंग का पैकेज बनाना है, तो जितनी एप्लीकेशन बनी हुई है ना ऑलरेडी, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई ब्राउजर है, इन सबके बिहाइंड द सीन इनकी कोडिंग हुई भी है। अब जो कोडिंग हुई होती है वो सी लैंग्वेज में हो सकती है, सी प्लस प्लस में हो सकती है, सी शार्प में हो सकती है, पीएचपी में हो सकती है, एसक्यूएल में हो सकती है, पाइथन में हो सकती है, जावा में हो सकती है, एचटीएमएल में हो सकती है, जावास्क्रिप्टिंग में हो सकती है। तो कोड को यूज करते हुए हम कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये फील्ड जो है कंप्यूटर की वो कहलाती है प्रोग्रामिंग। पहली फील्ड मैंने डिस्कस किया आप लोगों से नेटवर्किंग की। दूसरी जो मेजर फील्ड है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम लोग ऐप डेवलपमेंट फील्ड कहते हैं वो प्रोग्रामिंग की फील्ड है। और प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ जो है ना आप लोगों को कोड आपको लिखना पड़ता है और फिर किसी कंपाइलर के जरिए आप कंपाइल करते हो और आपकी डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलती है और आप वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। मतलब एक ये कंप्यूटर की एक बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ी हाईली पेड जॉब और इसकी भी बहुत जो है ना डिमांड है। तीसरी फील्ड जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है कि आप लोग जो है ना चाहे स्कूल का एक रिकॉर्ड आपने रखना है, चाहे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रखना है, चाहे किसी स्टोर का रिकॉर्ड रखना है कि कितना माल पड़ा हुआ है, कितना वेयर हाउस के अंदर कितना शेल्फों में, ये सारे का सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर नादरा के नाम से एक इदारा है जो सारे सिटीजन के जो है ना आइडेंटिटीज को जिसने सेंट्रलाइज किया हुआ है, हमारे सारे पासपोर्ट की डिटेल, हमारे जो है नाइकॉप्स की डिटेल, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट्स की डिटेल, मैरिज सर्टिफिकेट्स की डिटेल, वो नादरा वालों के पास है। अच्छा, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसके अंदर ओरेकल कंपनी जो है वो सबसे फेमस है। इसके अलावा MySQL है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, या लिमिटेड पैमाने पर छोटे लेवल पर अगर आप लोगों ने करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी ये डेटाबेस बना सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस की ही एक एनहांस फॉर्म जो है डेटाबेस से जो नेक्स्ट, अच्छा प्रोग्रामिंग एक सेपरेट फील्ड है, नेटवर्किंग एक सेपरेट फील्ड है, डेटाबेस भी एक सेपरेट फील्ड है। अब डेटाबेस के जो एडवांस वर्जन आप कह लें तो डेटाबेस से जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं ERP stands for Enterprise Resource Planning। Enterprise Resource Planning के अंदर के किसी भी organization का पूरा business model जो है ना वो business के activities को discuss किया जाता है, उसका सारा accounting system होता है, उसका procurement system होता है, उसका supply chain का system होता है, उसका risk management system होता है, ये सारे का सारा जो है ना ये कहलाता है Enterprise Resource Planning। इसके अंदर जो बड़े champion है IT industry के अंदर Oracle है, SAP है, Microsoft Dynamics है। अच्छा, अब जो मतलब डेटाबेस एक फाउंडेशन है, डेटाबेस के बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो है आप लोगों का ERP। अब ERP से जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस। आजकल जो है ना मतलब ये स्पेशल एक फील्ड बन गई है IT की, एक स्पेशल कैटेगरी बन गई है जिसमें लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं और डेटा साइंटिस्ट की जो है ना बहुत सारी जॉब जनरेट हो रही है कि डेटा जो है हमारे पास इस वक्त बेतहाशा मौजूद है। ऑडियो के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है, व्यूज के फॉर्म के अंदर है, हमारे पास इमेजेस के फॉर्म के अंदर है, टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर है। अब उस डेटा जो रॉ डेटा है उसके अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की क्यूरीज को रन करना, उसके ऊपर जो है किसी को एनालिसिस करके उसके बाद जो है ना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कैप्चर करना, ये चीज जो है ना ये कहलाती है डेटा साइंस। देन उसके बाद अच्छा इसके अंदर फिर और बहुत सारी सब डोमेन्स हैं जिसके अंदर डेटा वेयर हाउसिंग भी है, डेटा माइनिंग भी है। इंशाल्लाह जब डेटाबेस में हम लोग पहुंचेंगे तो फिर ये चीजें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, देन उसके बाद एक और कंप्यूटर की फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना कंपैरेटिवली कंप्यूटर की एक आसान डोमेन है। मतलब ये कोई भी बंदा सीख सकता है आसानी से, कोई इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने IT के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई डिग्री की हो। भले उसने सिंपल मैट्रिक किया होगा, उसको इंग्लिश पढ़नी आती है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स को आसानी से सीख सकता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इमेजेस के साथ प्ले किया जाता है, इमेजेस को एडिट किया जाता है। इसके अंदर जो है ना दो तरह की हम लोग डिजाइनिंग टूल्स के ऊपर काम करते हैं, पिक्सल बेस्ड डिजाइनिंग टूल्स के ऊपर काम करते हैं लाइक अडोब फोटोशॉप, या फिर हम लोग जो है ना वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग टूल्स के ऊपर काम करते हैं लाइक अडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ, या फिर जूलियट सीरीज जो है ना, जूलियट फोटो इम्पैक्ट, फोटो एक्सप्रेस वगैरह। इसके अंदर आप लोग फ्लायर्स बना सकते हैं, इसके अंदर आप लोग पोस्टर्स बना सकते हैं, इसके अंदर आप लोग पंफलेट बना सकते हैं, इसके अंदर आप लोग बैजेस बना सकते हैं, इसके अंदर आप लोग ग्रेटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, इसके अंदर आप लोग विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। मतलब बहुत सारा किसी भी फर्म ने अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी है ना, चाहे उन्होंने कोई फ्लायर तकसीम करवाने हैं, चाहे उन्होंने कोई स्टिकर बनवाने हैं, चाहे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे पोस्टर छपवाने हैं जितने उम्मीदवार हैं, तो इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर से वो रब्ता करते हैं और फिर ग्राफिक डिजाइनर को वो अपना इमेज देकर और अपनी मर्जी का टेक्स्ट वगैरह लिखवा के, उसने ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होता है कि उसने इमेज को और उसने उस विजुअल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना और उसको कि लोग जो है ना उसको पर फैसिनेट हो। ग्राफिक डिजाइनिंग इज द प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन हुज एक्टिविटीज कंसिस्ट इन प्रोजेक्टिंग विजुअल कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू ट्रांसमिट स्पेसिफिक मैसेज टू सोशल ग्रुप विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कि किसी एक ऑब्जेक्टिव को
हासिल करने के लिए आप लोगों ने जो है ना कोई इस तरह का आपने स्लोगन बनाया या कोई इस तरह का फिक्रा लिखा कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, खुद ब खुद जो है ना उसकी तरफ अपील हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो है दिसंबर गुजरा, दिसंबर के अंदर अमूमी तौर पे जो है ना ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूएस कनाडा वगैरह के अंदर ब्लैक फ्राइडे की सेल लगती है, या यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना व्हाइट फ्राइडे या व्हाइट वेडनेसडे के नाम से यहाँ पे सेल लगती है, या उसके ऊपर जो है ना अभी आजकल जो डीएसएफ चल रहा है, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसके ऊपर क्लेम करते हैं 25% से 95% तक हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं उसके ऊपर वगैरह वगैरह। तो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसको आप अपने फ्लायर को, पोस्टर को, बैज को, स्टिकर को इस तरीके से आप डिजाइन करो कि खाम खा लोग उसकी तरफ खींचे, या इमेज को इस तरीके से मैनिपुलेट करो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये फील्ड, ये आर्ट जो है ना, ये महारत कहलाती है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो टूल्स यूज करते हैं, अडोब सीरीज के बहुत सारे टूल हैं, अडोब फोटोशॉप है, अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब प्रीमियर है, और कोरल ड्रा के अंदर कोरल ड्रा है, कोरल फोटो पेंट है, इस तरह जूलियट सीरीज के अंदर जूलियट फोटो इंपैक्ट है, फोटो एक्सपेक्ट, इसके अलावा और बेशुमार टूल है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सैंपल के तौर पर कुछ टूल्स लिखे हैं। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग से जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है डिजाइनिंग के अंदर ही, कि अगर आप लोगों की डिजाइनिंग की सेंस आप लोगों की अच्छी है, एक तो ये है कि आपने प्रिंट मीडिया के ऊपर काम करना है। प्रिंट मीडिया से हटके आप जो है वेब के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट आप अपनी डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, वेबसाइट अपनी आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग से जो नेक्स्ट लेवल है वो कहलाता है वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है ना, जो हम लोगों ने कोई वेबसाइट जो है ना वो बनानी होती है, कि जो आप वेब पेज खोलें वो वेब पेज जो है ना वो अट्रैक्टिव हो, और आप उस वेब पेज के जरिए से जो है ना अपने कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करें। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है ना फिर इसके अंदर ये कि वेब डिजाइनिंग के अंदर जो इसके मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं उसके अंदर एक तो है कि यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, या जिसको यूआई डिजाइनिंग बोलते हैं, कि जो कस्टमर की आई को कैच करें। ठीक है, या फिर जो इसके अलावा जो है ना यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, यूएक्स डिजाइनिंग इसको बोलते हैं। और फिर ये है कि कस्टमर जो चीज लिखे या यूजर जो चीज लिखे वो आपने उसके अंदर कीवर्ड्स को आपने इस तरीके से पुट करना है। और एक टेक्निक इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये SEO की टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपने किसी भी प्रोडक्ट को बूस्टअप करने के लिए, किसी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए। तो वेबसाइट बनाने के अंदर जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग से जो नेक्स्ट मरहला है, लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ी कोडिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन खैर आजकल जो है इस तरह के फैंसी टूल आ गए हैं कि आप लोगों को कोडिंग की जरूरत नहीं है। जो कोडिंग की जाती है वो अमूमी तौर पर HTML के अंदर की जाती है, DHTML के अंदर की जाती है, CSS के अंदर, KSK स्टाइल शीट के अंदर की जाती है, जावास्क्रिप्टिंग के जरिए से की जाती है, या ASP के जरिए की जा सकती है, या JSP के जरिए की जा सकती है। फिर कोई वेबसाइट बनाने के लिए जो है ना हमें डेवलपमेंट की जरूरत होती है, फिर उसके अंदर कंटेंट को राइट करना होता है, कोड को लिखना होता है, फिर हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन का ख्याल रखना है कि ये वेबसाइट जो है हमारे हर तरह के ब्राउजर के साथ कंपेटेबल हो, हर तरह की डिवाइस के ऊपर ओपन हो, कि यूजर जब इसको मोबाइल पे ओपन करे तब भी वैसे उसको लुक एंड फील मिले, जब लैपटॉप पे ओपन करे तब भी वैसे ही खुले, जब डेस्कटॉप पे ओपन करे या टैबलेट पे ओपन करे तब भी वैसे ही खुले। फिर उसके बाद जो है आपको डिफरेंट टाइप के जो है ना इसके अंदर एनालिसिस वगैरह, आपने एनालिसिस के लिए आपने डिफरेंट टाइप के बार कोड, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह आपने देने हैं, और फिर किसी वेबसाइट को फाइनल करने के बाद जो है ना कि कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करने से पहले उसकी थॉरली उसकी टेस्टिंग होती है, और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूस उसका मेंटेनेंस का एक प्रोसेस होता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस, ये जितने जो आपको मराहिल मैंने गिनवाए हैं, ये सारे के सारे आपके वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग के अंदर आते हैं। इससे जो नेक्स्ट लेवल है डिजाइनिंग के अंदर ही, कि वो लोग के जिनका जो डिजाइनिंग का जिनको शौक है, प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग वो नहीं करना चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि जी ये हाईली पेड जॉब्स नहीं है, वेब डेवलपमेंट जो है ना वो हाईली पेड जॉब है। वेब डेवलपमेंट से भी नेक्स्ट लेवल एक वो आपका मल्टीमीडिया डिजाइनिंग। मल्टीमीडिया डिजाइनिंग के अंदर जो है ना आप जितने ये साइंस फिक्शन मूवीज हैं उसके अंदर जितने स्पेशल इफेक्ट्स हैं, लाइक जिस तरीके से आप कह रहे हैं गॉडज़िला के नाम से एक मूवी है, या मैट्रिक्स के नाम से एक मूवी आई थी, तो उसके अंदर ये जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह हैं ये सारे के सारे ये कंप्यूटराइज जो है ना ये बनाए जाते हैं। और या फिर आजकल खबरों के अंदर जो खबरनामे के अंदर या न्यूज बुलेटिन के अंदर जो है ना वो वर्चुअल टूर करवाते हैं किसी चीज का, ये सारे के सारे मल्टीमीडिया डिजाइनिंग के अंदर ये सारा कुछ आता है। अमूमी तौर पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ये चीज, ये स्टफ सारा इसका यूज होता है। प्लस इसके अलावा जो मेजर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो मूवीज, टेलीविजन और वीडियो गेम्स है। इसके लिए जो हम लोग टूल यूज करते हैं वो स्पेशल टूल्स हैं, जिसके अंदर 3D Studio Max है, या माया है, या पोजर है, या अडोब डायरेक्टर है, या अडोब फ्लैश है, फ्लैश प्लेयर है, और फ्लैश की बहुत बड़ी सीरीज है। ठीक है, ड्रीम वीवर फ्लैश भी है, ड्रीम वीवर फ्लैश वेब डेवलपमेंट के अंदर भी यूज होता है, और यहाँ पे भी एनिमेशन डिजाइनिंग के अंदर यूज होता है। तो मल्टीमीडिया डिजाइनर्स की जो है ना सैलरीज एज कंपेयर टू
वेब डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर ज्यादा अच्छी सैलरी जो है ना मल्टीमीडिया डिजाइनर्स को जो है ना वो मिलती है। देन उसके बाद जो कंप्यूटर के अंदर एक और फील्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के अंदर कल मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया था कि एक फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर आपने डिफरेंट रोल्स आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं, कि आपने उसको अपने सर्वर को मेल सर्वर भी बनाना है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्वर भी बनाना है, उसको प्रिंट सर्वर भी बनाना है, एंटीवायरस सर्वर भी बनाना है, उससे एक सर्वर से बहुत सारे काम लेने हैं, या एक मशीन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करने हैं, तो उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर की लेयर इंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर यूज कर लें, या वीएमवेयर का वर्कस्टेशन या सर्वर यूज कर लें, या सिट्रिक्स यूज कर लें, या केवीएम यूज कर लें, आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। राइट साइड पे आप लोगों को ये दिखा रहा है कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस डिफरेंट एप्स को, ऑरेंज कलर एप्स को और ओएस जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, तो सॉफ्टवेयर के हाउस के अंदर आप आईओएस के डेवलपमेंट भी कर रहे हो और आप एंड्रॉइड के डेवलपमेंट भी कर रहे हो। अब जो आईओएस का कोडर है उसको iOS का एनवायरनमेंट चाहिए, और जो एंड्रॉइड का कोडर है उसको जो एंड्रॉइड का एनवायरनमेंट चाहिए। सर्वर आपके पास सिर्फ एक है, तो सर्वर के ऊपर आपकी विंडोज चल रही है, विंडोज के ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, वर्चुअलाइजेशन आप लोगों ने की, और उसके ऊपर आपने एंड्रॉइड का एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया और iOS का एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का वर्चुअलाइजेशन का है। वर्चुअलाइजेशन जो है ना बेसिकली फाउंडेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। जो वर्चुअलाइजेशन जो है ना, जब इसका कॉन्सेप्ट एनहांस हुआ तो उसके बाद जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वजूद में आया। क्लाउड कंप्यूटिंग की कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जैसे वापडा के हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है कि बिजली जो है वो किस तरीके से जनरेट हो रही है, पानी के जरिए बन रही है, तेल के जरिए बन रही है, गैस के जरिए बन रही है, टर्बाइन चल रही है, या हवाई चक्कियां चल रही, क्या क्या किस तरीके से जो है ना वो बिजली बन रही है, किस तरीके से ग्रिड स्टेशन में आ रही है, किस तरीके से हमारी डीपी के अंदर आ रही है, या हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम जितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, हम अपने नीड बेसिस के ऊपर जो उतना जितना यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उतना हम लोग बिल पे कर देंगे। इसी तरीके से अब कंपनियां जो है ना वो अपना डेटा सेंटर नहीं बनाती, अपने सर्वर रूम पे इन्वेस्ट नहीं करती, वो तगड़ी मशीनें नहीं खरीदती, वो हार्डवेयर नहीं खरीदती, वो जो अपना रैक्स नहीं खरीदती, वो परसीएन कूलिंग के झंझट में नहीं पड़ते, वो यूपीएस के अंदर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या जनरेटर के चक्कर में नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि जी जो कंपनियां ये चीज ऑफर कर रही है, जिनके पास बल्क क्वांटिटी के अंदर स्टोरेज है, जिनके अंदर बल्क क्वांटिटी के अंदर कंप्यूटेशनल पावर मौजूद है, जिनके पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उनसे हम लोग जो ना क्लाउड की जो ना कंप्यूटिंग की सर्विसेज जो ना हम लोग बारो कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, और पे एज यू गो का मॉडल होता है। जितना यूज करेंगे, जितने प्रोसेसर यूज करेंगे, जितने स्टोरेज यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली महीने के बाद उनका या साल के बाद बिल आ जाएगा। फिर क्लाउड्स के अंदर जो है ना क्लाउड की तीन किस्में होती हैं, जिसका पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है। पब्लिक क्लाउड जो है आपने किसी कंपनी से लिया होगा आपने क्लाउड, मिसाल के तौर पर Amazon AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट Azure हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, Oracle क्लाउड हो गया, VMware क्लाउड हो गया। प्राइवेट क्लाउड ये है कि आपका अपना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया कि आपने खुद से अपना आईटी डिपार्टमेंट एक अपने अपना खड़ा कर लिया, और आपके पास बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं, बड़े बड़े रैक्स हैं, सर्वर हैं। जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्राइवेट क्लाउड है, या पाकिस्तान के अंदर जो वापडा वालों का अपना एक प्राइवेट क्लाउड है, या जैज का अपना एक प्राइवेट क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है कि मिसाल के तौर पर जैज कंपनी जो है एक जो टेलको कंपनी है, या टेलीनॉर एक टेलको कंपनी है, इस तरह के टेलको जो है ना अमूमी तौर पे किसी एक क्लाउड पे रिलाई नहीं करते, यानी इनका अपना डेटा सेंटर भी होता है, प्लस इसके अलावा इन्होंने पार्शली जो है ना रिडंडेंसी के लिए या बैकअप के लिए या फेल ओवर के लिए इन्होंने पब्लिक क्लाउड के ऊपर भी कुछ चीजें रखते हैं, कि अगर खुदा ना खासा इनके अपने डेटा सेंटर में कोई मसला आ गया, मिसाल के तौर पर फ्लड आ गया या आग लग गई, अपना डेटा सेंटर डाउन हो तो यूजर्स की सर्विस डिस्टर्ब ना हो, वो सारे के सारे सर्विसेज यूजर को पब्लिक क्लाउड से मिल रही हो, तो ऐसा मॉडल जो पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। तो ये जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये कंप्यूटर की एक सेपरेट फील्ड है। देन उसके बाद जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा एक और जो नई फील्ड जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, पिछले चंद सालों में मैच्योर हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं IoT। इसके अंदर कल एग्जांपल मैंने आपको दी थी एक स्कूल के बच्चे की दी थी, कि स्कूल का बच्चा घर से निकलता है, जब बस के अंदर सवार हुआ, किस कंडक्टर ने उसको रिसीव किया और कौन ड्राइवर था बस का, कितने बजे बस चली, कितने बजे से लेके कितने बजे तक कहाँ पहुंची, कब स्कूल के अंदर एंटर हुई, किस वक्त बच्चा क्लासरूम में गया, किस क्लास टीचर ने उसको अटेंड किया, क्या क्या बच्चे ने पढ़ा, क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या होमवर्क है, RFID के जरिए या बच्चे के हाथ पे बंधे बैंड के जरिए आप सब कुछ ट्रेस कर रहे हो। ये IoT का एक बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पे IoT जो है ना, IoT के अंदर जो है ना बेसिकली कंप्यूटर साइंसेज और आप लोगों के जो है ना सेंस जो है ना आप लोगों के इन्वॉल्व होते हैं। मेजर इसका जो कॉम्पोनेंट है ना वो कंप्यूटर साइंस के अलावा वो आप लोगों के सेंसर है, और कुछ स्पेशलाइज किस्म के जो है ना सॉफ्टवेयर आप लोगों के यूज होते हैं, ठीक है, और वो AI की टेक्निक को यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक को यूज करते काम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इन्होंने एक स्मार्ट टॉयलेट की एग्जांपल दी हुई है, कि स्मार्ट टॉयलेट जो है ना सीट के ऊपर जब पेशेंट या बंदा कोई बैठेगा तो बैठने के बाद जो है ना वो खुद ब खुद उसका डिटेक्ट कर लेगा कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है, इसका वेट कितना है, इसका ऑक्सीजन का लेवल क्या है,
तो ये एक यूज केस है आप लोगों का आईओटी का, ठीक है। आईओटी के बाद जो है नेक्स्ट एक और फील्ड जो है कंप्यूटर की एक डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ना कॉग्निटिव्स के ऊपर और आप लोगों के कह लेंगे जी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और जो कह लेंगे जी जो एक्शन मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं उनकी बेसिस के ऊपर जो है काम करता है। कंप्यूटर साइंस के एक स्पेशल फील्ड है, रिसेंटली जो है ना ये चीज मैच्योर हुई है। इसके अंदर जो है ना मशीन्स को इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि वो जिस तरह नेचुरल इंटेलिजेंस होती है ना बिल्कुल इसी तरीके से, चाहे वो इंसानों की है चाहे वो जानवरों की है, इसी पैटर्न को यूज करते हुए जो है ना मशीनों से हम लोग जो है ना वो काम लेते हैं। वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती हैं कि किस चीज की जो है ना क्यूरी ज्यादा आ रही है, किस चीज के बारे में ज्यादा सर्च किया जा रहा है। और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो गूगल के अंदर जो है ना, वो गूगल के हम लोग अपने मोबाइल पर जब बोलते हैं हाय गूगल और उसके बाद जो गूगल जो है ना वो आपको आगे से रिस्पॉन्ड करता है, तो ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों में से किसी के पास इस वक्त जो है कोई सैमसंग की डिवाइस है, आप उस पर कहते हैं हाय गूगल, तो वो आपके डिवाइस के ऊपर अगर आपने कॉन्फ़िगर किया तो वो, या इसी तरीके से सिरी जो है वो आप लोगों के आईओएस डिवाइसेस के अंदर है या अलेक्सा वगैरह है, या इसके अलावा आज के जो ऑटोमेटेड कार्स हैं जो ड्राइवरलेस कार्स हैं टेस्ला वगैरह जो है, तो वो खुद ब खुद जो है ना वो सेंसर्स की बेस के ऊपर सेंस करते हुए और जो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हुए जो है ना वो डिसीजन लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो ये एक सेपरेट डोमेन है और ये इसकी भी बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड है, लेकिन कंपैरेटिवली एक ये मुश्किल फील्ड समझी जाती है। देन उसके बाद जो एक और एडवांस डोमेन है कंप्यूटर की वो रोबोटिक्स की है, कि जिस तरीके से इंसान काम करते हैं इंसानों के बजाय जो आप ये काम जो है ना वो रोबोट से करवा लें। इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा काम जो है ना रोबोट से लिया जा रहा है। लाइक मैं जिस तरह पहले जिस जगह पे काम करता सुहार एल्यूमिनियम में, वहां पे 24/7 हमारा प्लांट चला करता था और वो एल्यूमिनियम दिन रात बन रहा था, वो सारे के सारे वहां पे रोबोट्स जो वो काम कर रहे थे। इसके अलावा आजकल आप लोगों को एयरपोर्ट पे आप लोगों को जो है ना कुछ ऐसी कियोस्क मशीनें वगैरह आप लोगों को मिलेंगी, या आप किसी जगह पे किसी फेस्टिवल के अंदर जाते हैं किसी एक्सपो में जाते हैं तो वहां पे रोबोट्स आपको मिलेंगे आपके असिस्टेंस के लिए। वो पूछेंगे आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपका टारगेट डेस्टिनेशन क्या है, मैं आई हेल्प यू, आप उससे जो है ना कोई हेल्प ले सकते हैं, फ्लाइट स्केड्यूल वगैरह उससे मालूम कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में उससे पूछ सकते हैं। तो ये रोबोटिक्स जो है ना ये भी हाईली डिपेंडेंट होती है आप लोगों के आईटी के ऊपर। अच्छा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप आईटी की जितनी भी डोमेन्स हम लोगों ने अब तक डिस्कस की हैं, ये सारे के सारे इस सब को सिक्योर करने के लिए एक स्पेशल सोफिस्टिकेटेड किस्म की जो है ना डोमेन है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफोसेक, जिसका काम ये होता है हर तरह के रिस्क से आप लोगों को प्रोटेक्ट करना, रिस्क को मिटिकेट करना और आपकी इंफॉर्मेशन को आप लोगों को सिक्योर बनाना, और आपके इंफॉर्मेशन में किसी किस्म की कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, किस किस्म का कोई डिस्क्लोजर ना हो, किसी किस्म का कोई डिलीशन करप्शन मॉडिफिकेशन ना हो, किसी किस्म के कोई रिकॉर्डिंग ना हो, किसी किस्म के डिवेल्यूएशन ना हो, कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रिसाइज हो, सिक्योर हो। तो इसके लिए एक कंप्यूटर की एक सेपरेट फील्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये अभी तक जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की आईटी के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया कि आईटी क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और कंप्यूटर के कौन कौन से डोमेन्स हैं, और फिर उसके बाद ये कि हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन क्या है। सबसे बड़ा यूज केस अभी एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि हम लोग डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम में हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, 24/7 हम लोग लर्न कर सकते हैं, डिपेंडेंसी कोई नहीं है कि स्कूल जाने का टाइम नहीं है, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लोगों के पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, अपना कॉन्टेंट डाउनलोड करें, आप अपने असाइनमेंट अपने फिल करें। तो ये सारे का ये आईटी का एक यूज केस है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे ही आप लोग जो है ना अमेजोन से, कैरेफोर से, लुलू से, किसी भी दराज से, या आप जो है किसी भी नून वगैरह से आपको चीज जो है ना शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ मंगवा सकते हैं आप। ऑनलाइन बैंकिंग जो है आप लोगों के जो है ना पैसे निकलवाने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए एटीएम मशीन पर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अ सिंगल टैप के आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी किस्म को बिल वगैरह पे कर सकते हैं, बैंकिंग के सारे काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया चलता ही आप लोगों का आईटी के बेस के ऊपर है कि सोशल मीडिया जो है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे लिंक्डइन है, चाहे आप लोगों का व्हाट्सएप है, चाहे यूट्यूब है, हाईली डिपेंडेंट आप लोगों का आईटी के ऊपर। अभी मेडिकल साइंसेज के अंदर एक बहुत बड़ी इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो आईटी की इन्वॉल्वमेंट है, कि अब जो है ना पहले तो एक ट्रेडिशनल थर्मामीटर होता था, अब सेंसर बेस्ड थर्मामीटर है। अब जो है पहले जो है डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्रिप्शन लिखा करता था, लेकिन अब जो है डॉक्टर टैबलेट के ऊपर लिखता है, या कंप्यूटर के टच स्क्रीन के अंदर जो है ना जो पेशेंट का सारा बायोडाटा जो है ना वो फिल करता है, जो आप लोगों ने बाकी इसके अलावा किसी भी किस्म का को प्रोसीजर करवाना हो, चाहे वो आप लोगों की कोई एंडोस्कोपी है, चाहे कोई इकोग्राफी है, चाहे कोई कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोसीजर है, एंजियोग्राफी वगैरह है, या आप लोगों का किसी किस्म का कोई सर्जरी है,
या फिर क्या लेंगे जी, टेली मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट है, या पेशेंट की आप लोगों ने काउंसलिंग करनी है, पेशेंट को आप लोगों ने मॉनिटर करना है, या आप लोगों ने क्या अभी तो बल्कि स्मार्ट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि जो डॉक्टर के बगैर जो है ना मशीनें और रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज करते हुए पूरा का पूरा हॉस्पिटल और पूरे का पूरा जो है ना क्लिनिक जो है ना वो रन कर रहा है। अभी जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर हम लोगों का मुंह तौर पर जो है ना हमारे सिटी स्कैन की या एमआरआई की या फिर अल्ट्रासाउंड की या एक्सरे की रिपोर्ट जो है ना हम लोगों को राइट करके दी जाती है कि अगर आपने किसी और कंसल्टेंट से आपने उसको सेकंड ओपिनियन लेनी है तो उसके पास आप डेटा लेके जाना चाहें, तो ये कि उसके साथ प्लस इसके अलावा कि आप लोगों ने ऑनलाइन रिजर्वेशन करनी है, बुकिंग करनी है, चाहे किसी होटल की या चाहे किसी एयरलाइन की या चाहे किसी और जगह पे आप टूर करना चाह रहे हो, वो हम लोग आईटी के जरिए कर सकते हैं जी। यहाँ तक बताएं, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को किस चीज की समझ ना लगी हो, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह कल जो इंशाल्लाह हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जी। अभी आप लोग अपने माइक ओपन कर लें और मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना, किसी ने कुछ डिस्कस करना। रिकॉर्डिंग को जो मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।